समझे मास्टर साहब, मनीषवा ने ऐसा किया है कि बिहार में अब किसी गांव में सड़क से ज्यादा ऊपर नाला नहीं बनता है। दोस्तों, ये वो है पगला इंजीनियर जो अपने आप को कहता है इंजीनियर, जो पत्रकार भी ऐसा बना कि खाली दुगलापन वाला कहानी किया, और आज आपको हम दिखाते, वो हमको कह रहा है कि दुगला मास्टर, तो हम उसको दिखाते हैं दुगलापन उसके अंदर कितना भरा हुआ है। वही नाला सबका न बोल बोल के कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि ससुरा इंजीनियर रोड से ऊपर नाला बना दिया है, कि कैसा इंजीनियर है, इसका रिलाई होना चाहिए कि नहीं। आज ई इंजीनियर चंदा चोर नेता का रिलाई और ऐसे पत्रकार का रिलाई होना चाहिए कि नहीं, आइए बताते हैं नजदीक में। ये रोड है और रोड से काफी ऊपर नाला है, आप देखिए लगभग इतना ऊपर, लेकिन इस नाला का छेद नीचे दिया हुआ है। ये नाला का छेद नीचे है, भले ही नाला ऊपर है, रोड से नाला ऊपर है, लेकिन छेद नीचे है, इसलिए बारिश के बाद भी पानी नहीं लगा। लेकिन ऊ पगला को कौन बताए, कौन सिखाए कि रे पगलवा, नाला के ढक्कन होता है ऊंचा, इसलिए कि अगर लोड ट्रक आ जाएगा और नाला के ऊपर चढ़ा देगा तो नाला टूट के धंस जाएगा नीचे, क्योंकि यह ब्रिज नहीं है, ये नाला है, नाला टूट जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, नीचे ट्रक फंस जाएगा, इसीलिए नाला का ढक्कन ऊपर होता है रे पगला। अगर तू सच में इंजीनियरिंग कैले रहता रे पगला, तो तुमको पता रहता कि भले ही नाला का ढक्कन ऊपर रहेगा, नाला ऊपर रहेगा रोड के लेवल से, लेकिन छेद जो होना चाहिए रोड के लेवल में या रोड के लेवल से नीचे, तभी पानी जाएगा नाला के अंदर। तो तू तो इंजीनियरिंग किया, कै पैसा वाला इंजीनियरिंग किया, ये तो तुमको पते है। दूसरा बात आ गया, तू पत्रकारिता करने, पत्रकारिता किया तो तू जेल चला गया, ऐसा ऐसा तू खबर चलाया, और नेता जब तू बनने गया, विधायक के चुनाव लड़ा, तो खाली 5% वोट लाया रे पगला। हम पहले चुनाव लड़कर 33% वोट लेकर आ जीत का आए हैं, हमारा सिखाता है तू, तोहर नकल हम करते रे पगला।